आखाट हॉस्पिटल नागपुर और साउथ एशियन लीवर इंस्टीट्यूट के बीच गठजोड़ और साझेदारी ने विदर्भ क्षेत्र में लीवर कैंसर के मरीजों के लिए एक उम्मीद जगाई है। एक मरीज को पहले बताया गया था कि इलाज के लिए कोई विकल्प नहीं है। अब दिसंबर 2022 में प्रोफेसर डॉक्टर टीम चेरियन एंड टीम द्वारा मरीज समीक्षा की गई। सावधानी पूर्वक पुनर्मूल्यांकन और उस विशेषता के साथ टीम ने बोखार्ड हॉस्पिटल नागपुर में एक जटिल ऑपरेशन किया, जिससे कैंसर को पूरी तरह हटा दिया गया। अब सर्जरी के लगभग एक महीने बाद मरीज और परिवार उसकी उम्र के किसी भी व्यक्ति की तरह जीवित रहने के साथ जीवन जीने की उम्मीद कर सकते हैं। अनिल पाटिल को पहली बार लगभग 2 साल पहले लीवर कैंसर होने का पता चला था। फिर उन्होंने इलाज के लिए कई अस्पतालों का दौरा किया, यहाँ तक कि हैदराबाद की यात्रा करने के बावजूद डॉक्टरों को कोई विकल्प नहीं मिला तो रोगी को ठीक कर सके, इसलिए उन्हें बार बार कीमोथेरेपिस्ट उपचार दिया गया, जिससे वे केवल कुछ महीनों तक जीवित रह सकते थे। हालांकि एक मित्र की सलाह पर पाटिल ने दिसंबर 2022 में प्रोफेसर डॉक्टर टॉम चेरियन से मिलने का फैसला किया, जिन्होंने पूरे इतिहास और पिछली सभी जांचों का सावधानी पूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया। लंदन और हैदराबाद में ट्रांसप्लांट के अनुभव के साथ प्रोफेसर चेरियम ने परिवार को सुझाव दिया कि थोड़ा जटिल ऑपरेशन के साथ यह संभावना थी कि वह कैंसर को पूरी तरह हटा सकते हैं, जो संभावित रूप से रोगी के लिए पूर्ण इलाज की अनुमति दे सकता है। उनके अनुसार ऑपरेशन योजना के अनुसार किया गया और ईपी को लगभग 10 दिन बाद छुट्टी दी गई, जिसमें हिस्टोलॉजी रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि कैंसर वास्तव में पूरी तरह से निकाला गया है और अंदर कोई भी कैंसर नहीं बचा था। दिल को छुलेने वाली ये कहानी विदर्भ क्षेत्र में चिकित्सा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यहाँ के सैकड़ों लीवर रोगियों को नई उम्मीद जरूर प्रदान करेगा। पिछले 2 साल से इसे सफर हो रहा था। आई हैव स्टार्टेड माय ट्रीटमेंट फ्रॉम एआईजी हैदराबाद। आई थिंक डॉक्टर बेटर नॉट टू मेंशन। हां, बालकृष्ण। तो उन्होंने भी मेरे 2 बार हार्ट का ये करा है, बोल तो लीवर का ये कर दिया, जरा के आरएफए कर दिया, लेकिन तो भी बाद में वो और डेवलप होने लगा। तो सर का नाम सुना था मैंने, यहाँ पे इसका प्रोग्राम पे आया था, बोले चलो दिखाते अपन ट्रीटमेंट का क्या, लेकिन सलाह तो देंगे। तो सर ने इतना माइन्यूट ये करा, ऊपर तो कुछ नहीं था लेकिन लीवर अंदर बस्ट हुआ था और उसका इफेक्ट कुछ बॉडी पे नहीं हो रहा था, खाने पीने पे नहीं, कुछ नहीं, खाली पेशाब में थोड़ा सा ब्लड आता था कभी तो भी। फिर सर को ये मैं ब्लड आ रहा बोल के नहीं बताया मैं, लेकिन आई थिंक रजत सर और इन दोनों डिस्कस करके वो अंदर ब्लास्ट हुए सो इन्हों समझ लिए और फिर मेरा ये ट्रीटमेंट किया। बाकी का मुझे 8 दिन कुछ भी मालूम नहीं था, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं था। वेल ट्रीटमेंट मिला, सर बोले थे 3 महीने आप चल नहीं सकोगे, मैं 21 दिन सर के पास चलते आया। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है प्रोफेसर टॉम चेरियन, मैं एक लिवर की स्पेशलिस्ट हूँ और लिवर सर्जन हूँ। मैं आज आपको बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये देश में Nearly 1,30,000 people are dying of liver disease. वो 1,30,000 में मेरे ख्याल से at least 30,000 people मरने की ज़रूरत में है। आज एक सच ऑपरेशन की बात मैं करना चाहता हूँ। There was a patient who is only 61 years old with a liver cancer. He came to us because approximately 5-6 hospitals में इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, ये ट्रांसप्लांट की लाइक नहीं है, ये लिवर का कैंसर है, तो कीमोथेरेपी हम दे देंगे बोल को। मगर मैं वो सीटी स्कैन सब देखने के बाद मुझे मालूम हो गया कि इसका एक साइड का लिवर नॉर्मल था, तो हम ऑपरेशन करके उसको निकाल कर सकता था। तो हम ऑपरेशन करके निकाल के अभी उन्हों पूरा क्योर हो चुका है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है, कीमोथेरेपी के साथ लिवर डिजीज़ में क्योर करने के लिए हो नहीं सकता है, ओनली सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन क्योर कर सकते हो, इसलिए वी वर ट्राइंग टू डू दैट एंड वी सक्सीडेड। ही इज़ एट होम, इसका हिस्टोलॉजी रिपोर्ट में वो कैंसर पूरा निकाल दिया बोल को कन्फर्मेशन भी मिला है। अभी
इनका डेथ का चांसेस आप और मेरा डेथ का चांसेस से कुछ फ़र्क नहीं है. दिस इज़ द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव पीपल. अगर लिवर कैंसर हुआ तो भी होप लूज मत करो. दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग. अभी भी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर सकते. मैं साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट्स और वोकार्ट हॉस्पिटल्स की लिवर प्रोग्राम की इंचार्ज हूँ. मेरे ड्रीम है कि एक पेशेंट भी लिवर कैंसर के वजह से अननेसेसरली, एक एक बार लेट डायग्नोसिस हो गया तो कुछ नहीं कर सकते लेट, मगर ऑपरेशन कर सकते हैं तो उसको करके उसको बचाना है. एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट.